Welcome to VLearn. This is session 1 of technology commercialization. In today's session, we are going to discuss about technology commercialization framework structure. So in this session, we are going to discuss the following topics. So here the first topic is the technology commercialization process. After that, we are going to discuss the analytical framework. And at last, we are going to discuss the success drivers. So first of all, let us discuss about the technology commercialization process. So basically, the technology commercialization acts as a roadmap. It is basically a roadmap which is based on extensive research into the literature on technology commercialization process. जो हमारा technology commercialization process है, वो इस तरीके से roadmap का work करता है. It acts as a road towards the objectives, towards the attainment of objectives of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेजेस. सो द एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, देयर आर डिफरेंट फेजेस इन द टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस. सो लेट अस डिस्कस दीज फेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल द फेजेस, दैट इज द ब्लो डायग्राम इलस्ट्रेट्स द प्राइमरी फेजेस एंड ट्रांजिशंस इन द बिजनेस लॉजिक्स टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन रोडमैप. यहाँ पर जो हमारा टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन होता है, उसके अंदर बेसिकली मेन 7 स्टेप्स होते हैं. एंड दीज 7 स्टेप्स, दीज 7 प्रोसेसेस आर द फर्स्ट वन इज इनोवेशन डिस्क्लोजर, देन द सेकंड वन इज सर्चिंग फॉर प्रायर आर्ट, देन द थर्ड प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग द इनोवेशन, देन द फोर्थ वन इज प्रोटेक्टिंग द इनोवेशन, देन द फिफ्थ इज मार्केटिंग the innovation, then the sixth one is licensing to industry, and the last one, that is seventh one, is monitoring the progress. So first of all, let us discuss the first phase, that is innovation disclosure. So the first step towards commercializing your innovation begins with an initial disclosure to IC. कोई भी जो हमारा commercialization process है, उसको हम start करते हैं innovation disclosure से. So this is considered as the first step in the commercialization process. Through this process, IC can record the innovation, determine what form of intellectual property is involved, establish accurate inventorship as well as ownership interest in the innovation, and determine through various means of evaluation whether your innovation has commercial potential. So disclosure mein hum kya karte hain, yahan par jo hamari information hai usko hum disclose karte hain, represent karte hain. यहाँ पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हेल्प से हम इन्वेंटरशिप को, ओनरशिप को, और हमारी जो डिफरेंट इवेल्युएशंस हैं, इनोवेशंस हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है, हाउ मच पोटेंशियल दे हैव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन डिस्क्लोजर. नाउ अंडर दिस वी इंक्लूड सम अदर पॉइंट्स विच आर टू मेक दिस प्रोसेस मोर एफिशिएंट. द इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन and translational research group of IC has developed a new online system, web disclosure, that allows for secure online submission of innovations by faculty, staff and students. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कॉमर्शियलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन परफॉर्म द ऑनलाइन ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सिस्टम, वेब डिस्क्लोजर. वेब डिस्क्लोजर यहाँ पर जो हमारा काम होता है वेब डिस्क्लोजर का, ये मेन टास्क परफॉर्म करता है ऑनलाइन सबमिशन का. दैट मीन्स यू कैन परफॉर्म ऑनलाइन ऑपरेशंस. हेयर द पर्सन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर फैकल्टीज, स्टाफ और स्टूडेंट्स. देन कम्स द सेकेंड फेज, दैट इज सर्चिंग फॉर प्रायर आर्ट. सो इन ऑर्डर फॉर एन इनोवेशन टू बी पेटेंटेबल, द वर्क मस्ट बी न्यू, useful and non-obvious to others in the same area of research. कोई भी हम जब यहाँ पर टास्क स्टार्ट करते हैं, वो दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए. देन ओनली इट इज गोइंग टू मेक सम इम्पैक्ट. उसका इम्पैक्ट तभी होगा मार्केट में जब वो दूसरों से डिफरेंट होगा. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सर्च फॉर प्रायर आर्ट, दैट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन ए सब्जेक्ट, टू अंडरस्टैंड वॉट हैज ऑलरेडी बीन डन इन द फील्ड, एंड टू डिटरमाइन वेदर द इनोवेशन or parts of the innovation meet the requirements of being new and non-obvious. यहाँ पर हम
सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमारे जो हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या जो हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टमेंट तो नहीं है, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट तो नहीं करता। एंड वी मेक एफर्ट्स टू क्रिएट अ प्रोसेस, टू क्रिएट अ मेथड, अ टेक्नोलॉजी विच इज नॉट इन यूज। देन कम्स द थर्ड फेज, दैट इज इवेल्युएटिंग द इनोवेशन। सो वंस अ डिस्क्लोजर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ इनोवेशन कमर्शलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च, दैट इज ICTR। ICTR की फुल फॉर्म है इनोवेशन कमर्शलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च। सो यहाँ पर जो हमारे फॉर्म सबमिशन होते हैं, जो डिस्क्लोजर होता है, वो ICTR के थ्रू होता है। एंड द इनोवेटर हैज कंडक्टेड अ प्रायर आर्ट सर्च, अ लाइसेंसिंग एसोसिएट वर्क विद द इनोवेटर टू एक्सप्लोर द इनोवेशन कॉमर्शियल पोटेंशियल। यहाँ पर किसी का भी कॉमर्शियल पोटेंशियल पता करने के लिए हम इनोवेटर का यूज़ करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनोवेटर इज टू एक्सप्लोर द इनोवेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉमर्शियल पोटेंशियल्स। देन ICTR रिलाइज ऑन ए प्रोसेस टूल द कॉमर्शलाइजेशन रोड मैप। जो ICTR बेसिकली रिलाई करता है जिस टूल पर, वो है कॉमर्शलाइजेशन रोड मैप। हेयर वी यूज इट टू इवेल्युएट GT इन्वेंशन एंड डेवलप एन इफेक्टिव कॉमर्शलाइजेशन प्लान। इसकी हेल्प से हम एक इफेक्टिव प्लान जनरेट करते हैं विच इज हेल्पफुल इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज प्रोटेक्टिंग द इनोवेशन। सो अ पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इनेबलिंग इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्टिंग द इनोवेशन मीन्स कोई भी जो आपकी क्रिएशन है, टेक्नोलॉजी है, या कोई भी आपने मशीन की क्रिएट की है, कोई प्रोजेक्ट है, उसका हमें पेटेंट कराना होता है। सो दैट नो वन कैन स्टोल योर आइडियाज, नो वन कैन यूज द कॉन्सेप्ट विच यू हैव ऑलरेडी यूज इन योर प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन। यहाँ पर हम पेटेंट इसलिए कराते हैं कि कोई और हमारे आइडियाज को चुरा ना ले या यूज ना करे और परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। सो देयरफॉर इफ अ GT इनोवेटर इज इंटरेस्टेड इन कमर्शलाइजिंग एन इन्वेंशन, इट इज इम्पोर्टेंट टू कॉन्टैक्ट द ऑफिस ऑफ इनोवेशन। जो भी इनोवेशन का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट करना होता है अगर हमें कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पेटेंट कराना है। सो कमर्शलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च, दैट इज ICTR, एज अर्ली इन द प्रोसेस एज पॉसिबल। हमें जो ये रजिस्ट्रेशन कराना होता है ICTR के ऑफिस में कराना होता है। बेसिकली वी ट्राई टू कंप्लीट दिस प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। सो इट इज़ क्रिटिकल दैट GT इनोवेटर्स कॉन्टैक्ट ICTR बिफोर मेकिंग एनी पब्लिक डिस्क्लोजर्स, सो वी कैन हेल्प प्रोटेक्ट द इनोवेशन। यहाँ पर कोशिश यही की जाती है, जो मेन एफर्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि किसी भी इनोवेशन को, किसी भी क्रिएशन को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका पेटेंट करा लिया जाए, सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर्स। देन कम्स द फिफ्थ फेज, दैट इज मार्केटिंग द टेक्नोलॉजी। सो वंस ऑफिस ऑफ इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च हैज डिटरमाइंड दैट द इनोवेशन हैज कमर्शियल पोटेंशियल, वी विल वर्क टू एस्टेब्लिश द बेस्ट कमर्शियलाइजेशन स्ट्रेटजी, दैट इज GTRC एंड ऑफिस ऑफ इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च हैव क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद इंडस्ट्री एंड विल वर्क टू डेवलप ए टारगेटेड लिस्ट ऑफ पोटेंशियल लाइसेंसेज। दैट मीन्स मार्केटिंग द टेक्नोलॉजी का मतलब है जो भी हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है या जो भी हमने कोई आइडिया जनरेट किया है या टेक्नोलॉजी जनरेट की है, क्रिएट की है, उसको हमें मार्केट में कैसे लॉन्च करना है। सो अ प्रॉपर लॉन्चिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इन अ मार्केट इज कॉल्ड द मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पर हम एफर्ट्स ये करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली लॉन्च हो, उसकी पॉपुलैरिटी के लिए, उसकी प्रॉपर सेलिंग के लिए इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट फेज, दैट इज लाइसेंसिंग टू इंडस्ट्री। सो वंस अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज इन प्लेस, ऑफिस ऑफ इनोवेशन कमर्शियलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन रिसर्च मेंटेन्स ए रिलेशनशिप विद द लाइसेंसी, इंश्योर्स माइलस्टोन्स आर मेट, मैनेजेस रॉयल्टी पेमेंट्स एंड प्रोवाइड्स एनी पोस्ट एग्रीमेंट सर्विसेज दैट मे अराइज। लाइसेंसिंग टू इंडस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पर एक बार लाइसेंस साइन होने के बाद, जो एग्रीमेंट साइन होने के बाद, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं जिसको कि
ICTR फॉलो करता है। इसमें इंक्लूड हैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक रॉयल्टी पेमेंट्स, किसी भी एक ऑपरेशन के लिए, किसी भी एक टेक्नोलॉजी के लिए एक पर्टिकुलर पेमेंट पे की जाती है टू द लाइसेंसी, जो लाइसेंसी है जिसके नाम पर लाइसेंस हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको एक पेमेंट, फिक्स पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। एंड ऑल द पेमेंट्स आर रिलेटेड आर कंसर्न विद द पोस्ट एग्रीमेंट सर्विसेज विच आर बिटवीन द लाइसेंसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स द लास्ट फेज, दैट इज मॉनिटरिंग प्रोसेस। सो आफ्टर द लाइसेंस एग्रीमेंट इज साइन, आई सी मेंटेन्स ongoing contact with the licensee to monitor the company's performance and ensure that they are in compliance with established terms and conditions. यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो इस पर होता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। दैट इज यहाँ पर मॉनिटरिंग का टास्क परफॉर्म होता है, चेकिंग का टास्क परफॉर्म होता है, वेदर द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इज measured. Now the next topic is the analytical framework. So basically the analytical framework builds on the commercialization process roadmap and provides the following six step process to move projects to the next phase of commercialization. जो analytical framework होता है वो एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से हमारा रोड मैप का वर्क करता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे कुछ फेजेस होते हैं, उन फेजेस के थ्रू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को। हियर द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट फेज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहले हमारा फेज होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें। देन द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द रिसोर्स प्रोवाइडर्स रिक्वायर्ड टू फंड द नेक्स्ट फेज ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज। डैट मीन्स जो रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू हम रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं या जिनसे हमें रिसोर्सेज मिली हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सो एज टू फंड द नेक्स्ट फेज ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज। द थर्ड वन इज डिटरमाइन द प्रूफ रिक्वायर्ड बाय द टारगेटेड रिसोर्स प्रोवाइडर्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज identify the contextual factors that are likely to have a material impact on the chances of resource acquisition. So yahan par hum different different factors ko identify karte hain with the help of which there are chances of proper, you can say, resource acquisition, resources ka utilization jin factors ke help se ho raha hai unko hum yahan par identify karte hain. Then the next factor is determine the appropriate measures of progress. That means here you have to identify the possible points, the possible measures which are helping the organization to grow or helping the process to progress. Then the next point is develop a plan to produce the proof and pursue the transition. हमें एक यहाँ पर plan generate करना होता है जिससे कि हमें एक proof मिलता है कि yes we have performed these operations and the task which we have to perform is this. So after deciding those operations we have to pursue the transitions. That means we have to perform the operations which are involved in a transition process. Then comes the last topic, that is success drivers. So in accordance with the literature, history and common sense, no formula exists to ensure success in technology commercialization. कोई भी जब हम कोई टास्क यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिस जो कि 100% इंश्योर करता है कि जो सक्सेस हमें मिलेगी किसी भी ऑपरेशन में, हमें 100% सक्सेस मिलेगी। सो देयर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस इन एनी ऑफ द मेथड, बट द लिटरेचर डज। जो हमारा लिटरेचर है वो इंश्योर करता है दैट देयर इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। हाउएवर इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ रीअकरिंग थीम्स रिगार्डिंग फैक्टर्स दैट अपीयर टू ड्राइव सक्सेस। सच फैक्टर्स इंक्लूड, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं लिटरेचर में which are helpful in attaining the objectives. So here the first factor is a compelling commercial concept, and the next one is continuing validation through the acquisition of new smart and meaningful investment. After that
The next point is a champion well matched to the needs of the project, especially during the more uncertain early phases. That means यहाँ पे जो good project होगा, जो successful project होगा, वो वही होगा जो कि हमारी requirements को fulfill करेगा and which will be completed on time. The next point is environments conducive to technology commercialization at the particular phase of a project development. That is, here you can see the examples, that is supportive organization and culture, then competitive incentives, and then enabling legislation. So these are the different environments which we can talk about in this topic. After that, there is efficient access to external networks of resource providers. जो हमारे रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनके थ्रू हम जो हमारे नेटवर्क्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एन एफिशिएंट मैकेनिज्म टू शेयर इंफॉर्मेशन बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नली विद पोटेंशियल रिसोर्स प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडर्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस. यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पॉइंट्स हैं या फंक्शंस हैं उनको भी हम परफॉर्म करते हैं, और जो एक्सटर्नल हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कराते हैं, लाइक द रिसोर्स प्रोवाइडर्स. जो हमारे रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं उनका टास्क होता है दैट देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज विच आर हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स इन टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स इन एनालिटिकल फ्रेमवर्क. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन. थैंक यू.